आज जनपद जालौन के विकास खंड कुठौन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। मौसम को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्मी गार्डन में किया गया, जिसमें 15 जोड़ों के रजिस्ट्रेशन किए गए, लेकिन किन्हीं कारणों बस एक जोड़ा नहीं आ सका, जबकि 14 जोड़ों को मुख्य अतिथि के रूप में रवि माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन ने शुभ आशीर्वाद देकर कार्यक्रम को कराया। इस मौके पर उपस्थित रहे खंड विकास अधिकारी संदीप यादव सहित कई भाजपा नेताओं ने नव युगल जोड़ों को आशीर्वाद दिया। विधायक मूलचंद निरंजन ने बताया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। जो लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा सकते हैं, उन्हें प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत करवा रही है, जिसमें 35,000 की नकद राशि जो लड़की के खाते में आएगी, 10,000 का सामान दहेज स्वरूप एवं 6,000 रुपए वरकन्या पक्ष के खानपान हेतु खर्च किए जाते हैं। कुल मिलाकर सामूहिक विवाह में शादी करने वाले जोड़ों को 51,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। का एक दाम्पत्य जीवन का मिलन होने जा रहा है, ऐसे सभी को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो भी एक दाम्पत्य विवाह कार्यक्रम है, ये महायज्ञ होता है, इसमें मिलन हो रहा है, इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। महायज्ञ जो होता है उसमें निश्चित रूप से एक सब लोग मानते हैं, यज्ञ में जो कार्यक्रम होता है वो सफल होता है। निश्चित रूप से इन सभी का जीवन सुखी रहेगा, ये सदैव खुशहाल रहेंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जनपद जालौन की लोकल खबरें देखने के लिए जालौन लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।